जय साथियों, मैं अतुल मनीष चौधरी। आज मैं आपको बताऊंगा 400 मीटर के बारे में। 400 मीटर का वर्कआउट है वो किस प्रकार से है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, मैं आपको बताऊंगा। 400 मीटर का वर्कआउट हमको इवनिंग और मॉर्निंग टाइम दोनों टाइम करनी है। पहले वार्मअप जरूरी है, बॉडी को वार्मअप और एक्सरसाइज करके तैयार रखना है, उसके बाद में ही हमको वर्कआउट शुरू करना है। सोमवार को मॉर्निंग टाइम करनी है हमको 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर लगानी है पेस 4 से 5 प्रत्येक किलोमीटर, और रिकवरी रखनी है हमारी। उसके बाद में रखना है इवनिंग टाइम हम करेंगे 350 मीटर। 350 मीटर 80 से 85% ही बॉडी की ताकत लगनी चाहिए, और उनकी रिकवरी रहेगी 4 से 5 मिनट। और उसके बाद हम लगाएंगे 300 मीटर लगाएंगे दो, और 300 मीटर की वही ताकत 80 से 85%, और उनकी रिकवरी रहेगी वही 5 मिनट तक। उसके बाद में लगाएंगे 200 मीटर, उसकी ताकत लगनी है 85%, और पूरा ऑल आउट नहीं लगानी है। ऑल आउट ये वर्कआउट स्पीड वर्कआउट नहीं है। और उसके बाद में मॉर्निंग, मंगलवार को मॉर्निंग टाइम करेंगे हम वेट रनिंग, जो वेट के साथ की जाती है, थाई की वगैरह स्टेबल पूरी। वो वीडियो आप जरूर देखें हमारे चैनल में। वेट रनिंग 30 से 40 मिनट तक वेट रनिंग करनी है और कुछ नहीं करना। उसके बाद 5 मिनट तक वो करना है, उसके बाद करना है 80 मीटर लगाना है। 80 मीटर के 6 लगानी है स्टेपल, 80 से 85% बॉडी की ताकत लगनी चाहिए। उसके बाद हम करेंगे 10 मिनट तक जॉगिंग, और कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। और इवनिंग को करेंगे हम 30 मिनट तक वार्मअप, और कुछ नहीं करना। एबीसी ड्रिल एक्सरसाइज होती है वो करनी है आपको, और प्रत्येक एक्सरसाइज दो दो बार करनी है। हो गया हमारा। और उसके बाद करेंगे हम ये है ना हमारा 30 मीटर 40 मीटर और 15 मीटर, ये लगाने, और रिकवरी रहेगी इनकी 5 मिनट तक। उसके बाद जॉगिंग करेंगे, और हमारा ये हम करते हैं बुधवार को। बुधवार को मॉर्निंग टाइम होती है हमारी 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर की पेस होती है 6 से 6.5 प्रत्येक किलोमीटर रखनी है, और ज्यादा स्पीड नहीं करना है, वार्म अप करके बॉडी को तैयार करके, और 10 मिनट तक जॉगिंग व एक्सरसाइज करनी है। और बुधवार को इवनिंग टाइम हम फुल रेस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो गुरुवार को हम इस प्रकार से करेंगे मॉर्निंग टाइम 20 मिनट तक स्लो पाइट। स्लो पाइट वो होती है जो 30 मिनट तक स्लो, 20 मिनट पाइट, 50 मिनट स्लो, 40 मिनट पाइट। इस प्रकार से आपको स्लो पाइट करनी है और कुछ नहीं करना। उसके बाद इवनिंग को करनी है हमारी सिर्फ बॉडी की एक्सरसाइज करनी है, जॉगिंग वगैरह और कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार से शुक्रवार को हमारा वर्कआउट रहता है, मंगलवार को 3 किलोमीटर, उनकी पेस रहती है 5 से 5.5 प्रत्येक किलोमीटर, और एक्सरसाइज करना, वार्म अप करना और कुछ नहीं करना है। और इवनिंग टाइम कोर एक्सरसाइज होती है, जो हमारे चैनल पर जाकर आप वीडियो देखें, वो कोर एक्सरसाइज ये करनी है, और बॉल वगैरह बॉल बनाना हो कुछ करना है और कुछ नहीं है। और शनिवार को मॉर्निंग टाइम 600 मीटर होती है, 600 मीटर एक होती है, उनकी रिकवरी रहती है 5 मिनट। उसके बाद में होती है 500 मीटर, उसके बाद में होती है 400 मीटर, ये करके। और इवनिंग टाइम को रेस्ट रहता है, मॉर्निंग उसके बाद तो आप जिम भी कर सकते हो साथ में। जय हिंद, बने रहिए हमारे वीडियो को अंत तक।